चुनें अपना प्रधानमंत्री न्यूज ऐप पर। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अपने फोन के स्कैनर से करें डाउनलोड या वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर करें क्लिक और जीतें 1,00,000 तक के इनाम। डाउनलोड न्यूज ऐप नाउ। ऊना के डिग्री कॉलेज में जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना शुरू हुई, तो मतगणना में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काउंटिंग एजेंट की सेवाएं देने पहुंचे। सतपाल सत्ती ने प्रदेश की चारों सीटें जीतने के साथ ही केंद्र में मोदी सरकार की वापसी का जो दावा किया वो सच होता नजर आ रहा है। हम तो शुरू से ही नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण और उनके नेतृत्व के कारण जो पूरे देश के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर माहौल बना है 5 वर्षों में, उनके काम के कारण और उनकी मेहनत के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, हम लोग शुरू से आश्वस्त हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कि नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी दोबारा से गवर्नमेंट बना रही है और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की थी, इस बार फिर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किए हुए काम, हमारे MPs की मेहनत, हमारे नेताओं की मेहनत और कार्यकर्ताओं की एकजुटता के कारण हम लोग फिर चारों के चारों सीटें हिमाचल प्रदेश में जीतेंगे। मतों की गिनती का काम सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था। डिग्री कॉलेज ऊना में 5 हॉल बनाए गए जिसमें ऊना, कुटेरहड़ व हरौली विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना हुई। ऊना से न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।